गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th चैप्टर 1 मैथमेटिक्स, जो कि है हमारा इंटीजर्स चैप्टर, वो हम स्टार्ट करेंगे। आप सब बच्चों को पता है इंटीजर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर्स इन डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ? आपको ये नंबर लाइन दिखाई गई है यहाँ पर, और जिसमें आपको अलग अलग जगहों के टेम्परेचर शो किए गए हैं, और वो कौन सी यूनिट में शो किए गए हैं? डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर डे, मतलब किसी एक स्पेशल दिन की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे। ऑब्जर्व द नंबर लाइन, मतलब कि नंबर लाइन को अच्छे से आप देखिए, एंड राइट द, और लिखिए टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट, और सभी जगहों के टेम्परेचर लिखिए जो कि इस नंबर लाइन के ऊपर मार्क्ड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन करना। सबसे पहले हम जितनी भी जगह दी गई है सबके हम नेम मेंशन करेंगे। लाहौल स्पीति हमें सबसे पहले दिया गया है, लाहौल स्पीति। ओके, सेकंड पे है हमारा श्रीनगर, थर्ड पे है हमारे पास शिमला, नेक्स्ट है ऊटी, लास्ट वन बेंगलुरु। ठीक है, अब हम वापस से अपनी नंबर लाइन पे चलते हैं। चलिए, आप सबको पता है जो नंबर लाइन होती है उसमें राइट साइड में, मतलब कि जीरो के राइट साइड में जो होते हैं वो नंबर्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव, मतलब कि प्लस वाले नंबर्स होते हैं, और जीरो से जो लेफ्ट साइड होते हैं वो सब क्या होते हैं? हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें दिखाना है लाहौल स्पीति का टेम्परेचर का है। स्टार्ट करते हैं जीरो से पहले। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या है हमारा? -8, और यूनिट क्या है? डिग्री सेल्सियस। ये सिंबल लगाना मत भूलिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा श्रीनगर। चलिए श्रीनगर पे वापस चलते हैं। जीरो से पहले -1, देन -2। तो श्रीनगर का टेम्परेचर हमारा क्या दिखाया गया यहाँ पे? -2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट वन इज शिमला। तो देखिए शिमला का क्या है हमारा? पॉजिटिव में राइट साइड, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम इसका टेम्परेचर क्या लिखेंगे? 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट वन इज ऊटी। चलिए 5 के बाद ही यहाँ कंटिन्यू करते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? 14 डिग्री सेल्सियस। ओके, लास्ट वन इज बेंगलुरु। बेंगलुरु का टेम्परेचर क्या है 20 के बाद? 21, देन 22 डिग्री सेल्सियस। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ इट्स फर्स्ट टॉपिक ओवर, कम टू द सेकेंड पार्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो भी हमें प्लेसेस दी गई हैं उनमें हमें कंपेयर करना है कि सबसे हॉटेस्ट, हॉटेस्ट मतलब सबसे ज्यादा गर्म जगह है, और सबसे कोल्डेस्ट मतलब जो सबसे ठंडी जगह है, उनका हमें क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हॉटेस्ट जो प्लेस है वो यहाँ पर कौन सी है। तो हॉटेस्ट प्लेस होगी जितना प्लस में नंबर बड़ा है हमारे पास, वो सबसे ज्यादा क्या होगी? हमारी हॉटेस्ट प्लेस है। तो चलिए हम लिखते हैं सबसे पहले हॉटेस्ट प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा नंबर हमारे पास किसका है? बेंगलुरु का, जो कि हमारा कितना है? 21, देन 22 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास है 22 डिग्री सेल्सियस, और जगह का नाम क्या है? बेंगलुरु। ठीक है, उसके बाद हमें क्या ढूंढना है? कोल्डेस्ट। तो कोल्डेस्ट प्लेस देखिए यहाँ पर हमारी क्या है? लाहौल स्पीति, और जिसका टेम्परेचर क्या था हमारे पास? -5, -6, -7, -8 डिग्री सेल्सियस। हम लिखेंगे कोल्डेस्ट प्लेस, सबसे ठंडी जगह है, जो हमारी क्या है? लाहौल स्पीति। टेम्परेचर कितना था? -8 डिग्री सेल्सियस। नाम लिखेंगे जगह का, लाहौल स्पीति। ओके, अब हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है इनका अंतर निकालना। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट, घटाते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे 22 डिग्री सेल्सियस माइनस, और देखिए इस नंबर के पास क्या है? खुद का भी माइनस है, तो हम इसको ब्रैकेट में डालेंगे, -8 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए 22 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो हम यहाँ प्लस का सिंबल दिखाएंगे, 8 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब हमें क्या करना है? 22 में हमें प्लस करना है 8 को, तो व्हाट वी विल गेट? 30 डिग्री सेल्सियस।
क्लियर स्टूडेंट्स. थर्ड पार्ट, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर. आपको क्या निकालना है, टेम्परेचर का अंतर निकालना है कौन कौन सी जगहों के बीच में, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में. तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे लाहौल स्पीति का टेम्परेचर हमारे पास कितना है, लाहौल स्पीति टेम्परेचर जो कितना दिया गया है हमें, -8 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे श्रीनगर टेम्परेचर. चलिए नंबर लाइन पे वापस चलते हैं. श्रीनगर का टेम्परेचर हमारे पास कितना है, -1 देन -2, -2 डिग्री सेल्सियस. अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस. डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, माइनस. तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे -8 डिग्री सेल्सियस माइनस का निशान, क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है. और दूसरा हमें टेम्परेचर किसका निकालना है, श्रीनगर का, जो कि है -2. जब दो सिंबल एक साथ होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको ब्रैकेट में कर देते हैं. ठीक है, -8 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस क्या होगा, प्लस देन 2 डिग्री सेल्सियस. अब हम क्या करेंगे, अब देखिए बच्चों, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसका मतलब यहां पर हमको घटाना है, माइनस करना है. 8 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, 6 डिग्री सेल्सियस. अब हमें लगाना होता है सिंबल, बड़े नंबर का निशान लगाते हैं. तो 8 बड़ा है कि 2, 8 इज ग्रेटर देन 2, तो हम 8 के आगे सिंबल चेक करेंगे, माइनस है, तो हम भी अपने आंसर में क्या लगाएंगे, माइनस. क्लियर. कम टू द फोर्थ पार्ट, कैन वी से, क्या हम कह सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर. ये पूछ रहा है हमसे, क्या हम बोल सकते हैं कि श्रीनगर का और शिमला का टेम्परेचर अगर हम इकट्ठा ले ले, मतलब कि अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो वो आंसर हमारा लेस देन, मतलब कि कम आता है, किससे, टेम्परेचर एट शिमला, शिमला के तापमान से. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर हम टुगेदर लेंगे, मतलब कि इकट्ठा लेंगे. तो देखिए जैसे मैंने सॉल्यूशन किया है, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर प्लस टेम्परेचर ऑफ शिमला. तो श्रीनगर का टेम्परेचर हमें क्या दिया गया था, -2 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर ऑफ शिमला क्या दिया था, 5 डिग्री सेल्सियस. अब हमें टेकन टुगेदर करना है तो मतलब हमें जोड़ना होगा. अब आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसका मतलब हमें यहाँ माइनस करना है. तो 5 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, और बड़े नंबर का सिंबल लगता है तो 5 यहाँ पे बड़ा है, तो 5 के आगे प्लस है, तो प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अगर किसी नंबर के आगे कोई सिंबल नहीं है तो इटसेल्फ इट इज प्लस. ओके, अब देखिए ये तो हमने दोनों का जोड़ के लिख दिया. अब हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ शिमला. शिमला का टेम्परेचर हमको कितना दिया है, 5 डिग्री सेल्सियस. तो अब आपको देखते ही पता चल रहा है 5 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन 3 डिग्री सेल्सियस. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस, टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड श्रीनगर टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला. मतलब कि अगर हम दोनों के टेम्परेचर को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 3 डिग्री सेल्सियस, जो कि कम है किसके टेम्परेचर से, शिमला के टेम्परेचर से. तो हमने आंसर क्या लिखा, यस. सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में एक और हमसे पूछा है, कहता है क्या ये टेम्परेचर दोनों का जो जोड़ के हमने आंसर निकाला है, क्या वो कम है श्रीनगर के तापमान से भी. तो हमें पहले श्रीनगर का लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर जो हमें क्या दिया है, -2 डिग्री सेल्सियस. अब देखिए बच्चों, प्लस का जो इंटीजर होता है, मतलब प्लस में जो नंबर होता है वो हमेशा बड़ा होता है किसी भी माइनस वाले नंबर से. तो देखिए टेम्परेचर श्रीनगर का कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस, और हमने जो जोड़ के आंसर निकाला था श्रीनगर और शिमला का वो कितना आया था, 3 डिग्री सेल्सियस. तो आपको पता है 3 डिग्री सेल्सियस बड़ा है किससे, -2 से. तो हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आएगा इसमें, नो, इट इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, बिकॉज 3 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन -2 डिग्री सेल्सियस. चलिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स. मतलब क्या है, जो सही उत्तर लिखे गए हैं उनके जो मार्क्स दिए गए हैं वो कैसे दिए गए हैं, पॉजिटिव, मतलब कि प्लस में, एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर. इनकरेक्ट का मतलब क्या होता है, रॉन्ग. अगर जो आंसर रॉन्ग लिखा गया है उसको कैसे मार्क्स दिए गए हैं, नेगेटिव, मतलब कि माइनस में. इफ जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर, मतलब कि जैक ने स्कोर किए हैं 5 राउंड्स में, 5 चक्रों में कितने मार्क्स मिले हैं उसको, 25, -5, -10, 15 and 10. ओके, व्हाट वाज इट टोटल एट द एंड. तो आपको पता करना है कि उसके टोटल मार्क्स उसने कितने स्कोर किए हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टोटल स्कोर
एट द एंड, तो क्या करेंगे हम सबको प्लस कर देंगे, 25 प्लस देन माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस 15 प्लस 10, तो हमने सबके मार्क्स लिख लिए हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 25 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 10 प्लस 15 प्लस 10। अब हमें क्या करना है, जो पॉजिटिव इंटीजर्स है सिर्फ हम पहले उनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एक ये है हमारा प्लस वाला नंबर, एक ये है और एक ये है। अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 25 में हमें 15 को प्लस करना है, देन 10 को प्लस करना है, तो हमारे पास आएगा 50। क्लियर? अब हम इन दोनों को एज इट इज लिखेंगे, माइनस 5 माइनस 10। 50 को हम फिर से सेम लिखेंगे। अब देखिए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 10 में हम 5 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 15। ठीक है, सिंबल लगेगा बड़े नंबर का, तो 10 बड़ा है, उसके आगे माइनस है, तो हमने भी लगाया माइनस। अब हमें क्या करना है, 50 में से हमें 15 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 1 गया 3, तो उसको कितना स्कोर मिला है लास्ट में, 35। कम टू द थर्ड क्वेश्चन। एट श्रीनगर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे, मतलब कि श्रीनगर का तापमान जो है मंडे को कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस, एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय, ड्रॉप्ड का मतलब क्या होता है, गिरना, मतलब कि कम हो गया तापमान, कितना कम हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूजडे, ट्यूजडे को। व्हाट वॉज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूजडे, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि श्रीनगर का जो तापमान है मंगलवार को, ट्यूजडे को कितना था। ऑन वेडनेसडे, बुधवार को क्या हुआ, इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, रोज का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया। व्हाट वॉज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, दिस डे मतलब क्या है, वेडनेसडे, तो वेडनेसडे का टेम्परेचर भी हमें यहां निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑन मंडे, मंडे को हमारा टेम्परेचर कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हम लिखेंगे ड्रॉप्ड टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर जो है गिर गया, मतलब कम हो गया, वो है हमारा 2 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई भी चीज कम होगी तो वो हम क्या करते हैं उसके लिए, माइनस, ठीक है। अब हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना था एक्चुअली, तो क्या करेंगे, -5 डिग्री सेल्सियस में हम 2 डिग्री सेल्सियस को माइनस कर देंगे। अब देखिए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो हम 5 में 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हमारे पास आएगा 7, उसके बाद हम सिंबल लगाएंगे बड़ा नंबर का, तो 5 यहाँ पे बड़ा है 2 से, तो 5 के आगे माइनस है, तो हम भी लगाएंगे माइनस डिग्री सेल्सियस, -7 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर ट्यूजडे को। उसके बाद उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, ऑन वेडनेसडे, बुधवार को टेम्परेचर जो है इतना बढ़ गया, तो हम लिखेंगे टेम्परेचर रोज, कितना टेम्परेचर बढ़ गया, वो है 4 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई भी चीज बढ़ती है तो हम प्लस करते हैं और घटती है तो माइनस करते हैं। अब हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना था, तो देखिए ट्यूसडे को हमारे पास कितना टेम्परेचर आया है, -7 डिग्री सेल्सियस, उसमें हम प्लस करेंगे 4 डिग्री सेल्सियस को। अब देखिए बच्चों, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यहां पर हमें माइनस करना है, 7 में से 4 को माइनस करेंगे, व्हाट वी विल गेट, 3, उसके बाद सिंबल लगाएंगे, 7 बड़ा है, उसके आगे माइनस है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे -डिग्री सेल्सियस, दिस इज अवर आंसर। कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। A plane is flying at the height of 5000 meter above the sea level. अब देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है, सी लेवल है, मतलब कि समुद्र का लेवल है, उससे जो है 5000 मीटर ऊपर एक प्लेन जो है फ्लाइंग कर रहा है, मतलब कि एक जहाज उड़ रहा है, ठीक है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर, इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन, किसी एक बिंदु पर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल सबमरीन के ऊपर है, जस्ट अबव, ठीक है। बट जो सबमरीन है वो कितने तैर रही है, 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, ठीक है, समुद्र के लेवल से नीचे ये सबमरीन जो है फ्लोट कर रही है, मतलब कि तैर रही है, और 1200 मीटर की दूरी पर, ठीक है। हमें आगे निकालना क्या है, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, देम मतलब यहाँ पे कौन कौन है, एरोप्लेन एंड सबमरीन, आपको क्या निकालना है, एरोप्लेन और सबमरीन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, तो हम लिखेंगे वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन
सबमरीन एंड प्लेन इक्वल टू 5000 मीटर प्लस 1200 मीटर, तो हमें क्या आंसर मिलेगा? 6200 मीटर. दिस इज अवर आंसर. थैंक यू स्टूडेंट्स. वी विल डील विद मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज इन अवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो.